ब्रिज मोहन योग केंद्र में आज आपको विशेष तौर पर 30 दिवसीय घुटना दर्द निवारण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चला रहे हैं उसके आज हम लोग 16वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और आज जिस तकनीक को मैं काफ़ी दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ उसका बहुत विशेष लाभ मिल रहा है और आज मैं उसी तकनीक का एक बार पुनः प्रातः वेला के सत्र में अप्लाई कर रहा हूँ। आप बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे और आप भी इसका अभ्यास करके घुटना दर्द को ठीक कर सकते हैं, अपने घुटने को बचा सकते हैं। कौन सा घुटना में दर्द है? दाहिने में। जिस घुटना में दर्द हो, ज्यादा दर्द हो, दोनों में कर सकते हैं इसको। तो ये कटोरी के वो थोड़ा पैर बाहर निकालो, यहाँ पर जांघ के पास बांध देना है इस रस्सी को, बहुत ज्यादा जोर से नहीं बांधना है, बांधने के बाद इसे चारों तरफ लपेटना, कटोरी पर नहीं लपेटना है, ध्यान रखना है, कटोरी के ऊपर और इसके ठीक नीचे से लपेटना शुरू कर देना। थोड़ा खिंचाव लेते हुए लपेटना है, 2 इंच 2.5 इंच की दूरी पर लपेटना है। थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है, एक तरह से यूं कहिए कि बांधना है इसको, नसों को मांसपेशियों को बांधना है। बांधने के बाद में इसे ऊपर इसको टांग के रखना है, इसी रस्सी को हल्का मोटा भी सहारा कर ले सकते हैं, दुपट्टा को भी सहारा बना सकते हैं। यहाँ से लेकर के 4 से 5 बार ऊपर से नीचे तक और फिर नीचे से भी इधर 4 उंगली और अंगूठे से दबा करके अब सांसों के साथ क्या करना है कि पैर को नीचे और ऊपर करना है, नीचे जाने देंगे फिर सांस भरते ऊपर आने देंगे। आप नहीं कुछ करिएगा, मैं जो खींच रहा हूँ जिस प्रकार से गीला छोड़ दीजिए पैर, आपको कोई इस पर भार नहीं लगाना है। ये बहुत अच्छा तकनीक है, इससे क्या होता है कि नस नाड़ियों में अटके हुए रुके हुए दूषित खून का प्रवाह ठीक होने लगता है। इसे गिन करके 20 बार ऊपर की ओर, पहले 8-10 बार बिना होल्ड किए हुए ऊपर नीचे करना है। जब 20 बार गिनती हो जाए तो होल्ड करेंगे इसको 5 सेकेंड, जितना ऊंचा चौकी है उतना ही ऊंचा एड़ी रहना पड़ रखना है और भार नहीं दीजिएगा इस पर, ढीला छोड़ दीजिए। 5 सेकेंड रोकेंगे, फिर ढीला करेंगे इतना, फिर खींचेंगे और 5 सेकेंड तक रोकेंगे इसको। इसे भी 10 बार करना है। कैसा भी घुटना दर्द हो, चाहे चोट लगने के कारण दर्द हो, उम्र के हिसाब से बढ़ते उम्र के जो कारण से दर्द होने लगते हैं घुटना में, लिगामेंट्स के टूट फूट या रप्चर होने से दर्द होते हैं घुटना में,
सूजन हो जाती है। ये लगभग एक पैर में 5 मिनट का ये थेरेपी देना है आपको। फिर थोड़ा सा होल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पकड़ करके रस्सी को जो बांधे पकड़ लिया मैं इसको, अब फिर एक बार नीचे से दो बार तीन बार और यहां से फिर दो बार तीन बार करना है और इस कटोरी पर चारों तरफ से धीरे धीरे सांस भरते छोड़ते रहना है और साइड में भी दर्द होने लगता है, इधर कम होता है इधर साइड में ज्यादा दर्द होता है तो थोड़ा सा अंगूठे से ऐसे खींचते हैं, यहाँ पे दर्द करता है, ज्यादातर लोगों को अंदर के भाग में दर्द करता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से अंगुलियों से अब इतना देर थेरेपी देने के बाद धीरे धीरे रस्सी को खोल देते हैं। फिर पैर को लटका करके इसे हटा देंगे। अब क्या करना है कि ये रस्सी बांधने के बाद एक दाग पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये दाग पड़ जा रहा है तो इस दाग को अब धीरे 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 अब जो नस के अंदर ब्लड जो रुके हुए थे ये बांधने के बाद अब वो अचानक तेजी से फ्लो कर रहे हैं। जैसे कोई नली जाम हो जाता है, पानी रुक जाता है उसमें, कचरा जाम लग जाता है और अचानक उसको जब हम खोलते हैं मुंह के पास तो पूरा कचरा लेकर के बाहर निकल जाता है, गंदगियों को साफ कर देता हो, ठीक उसी प्रकार से यह अभ्यास करने के बाद नस नाड़ियों को एक्टिव करता है। अब बोलते हैं कि नीचे पैर को रखिए और 5 बार अपने हिसाब से पैर को ऊपर उठाइए, दबाव बनाते हुए खींचेंगे, इस घुटने को खिंचाव बनाएंगे, खींचेंगे कस के ये उंगली को आगे की ओर दबा कर रखेंगे। इसे 5 बार कर लेना है। घुटना दर्द पर हम लोग लगातार अभी काम कर रहे हैं, 30 दिनों तक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े ऐसे ऐसे थेरेपी अभ्यासों को हम आपके बीच में रखने वाले हैं और यह एक तरह से अनुसंधान और प्रयोग है हमारे यह योग केंद्र में, जहाँ पर सुबह और शाम दोनों समय में भाई और बहन आकर के यहाँ पर आनंद लेते हैं योग का, प्राणायाम का, ध्यान का और आसनों का और अपने अपने बीमारियों पर इन छोटे छोटे आसनों का, अभ्यासों का जो प्रयोगात्मक जो यहाँ पर रिसर्च चल रहा है वो एक तरह से आम आदमी के लिए, जनमानस के लिए, राष्ट्र और पूरे देश और दुनिया के लिए यह एक अच्छी खबर है। आप कहीं पर भी हैं, आप योग, प्राणायाम, ध्यान, नेचुरोपैथी के द्वारा अपनी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद यहां पे पैर को रख देते हैं और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर करते हैं। दोनों ये जो कलम देख रहे हैं हर अंगुलियों के बीच में लगा करके और दोनों अंगुलियों से हल्का सा दबाव बनाते हैं, इसमें दबाव बनाकर और इसको कलम को घुमाना पड़ता है हल्का सा। दर्द हो रहा हो हल्का? जब घुटना में दर्द होगा यहाँ पर तो यहाँ पर पॉइंट्स पे दर्द तेज होगा जब घुमाएंगे, हल्का सा दबाएंगे तो असहनीय दर्द जैसा महसूस होगा, हो रहा है?
ज़्यादा दर्द होगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी लगा करके जब बैठेंगे इसको दबाएंगे तो दर्द हो रहा है। चार पांच बार करेंगे, लगेगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द आँख से आंसू में निकल जाएंगे, इतना दर्द करता है ये दबाने पर, कर रहा है ना। कलम को चार से पांच बार दोनों उंगलियों के बीच में लगाकर और हल्का घुमाते हुए और हल्का हल्का दबाए, दर्द कर रहा है। और फिर अंगूठे और उसके बगल की उंगली में भी लगा करके दर्द कर रहा है। तो दर्द करने का मतलब ये है कि आपके घुटने में दर्द है, तो पॉइंट्स पर दर्द होगा महसूस होगा। इस क्रिया को पांच पांच बार हर उंगलियों में करना है। ये जो अंगूठी देख रहे हैं ना, ये माताएं बहनें पहनती हैं, ये खास करके इसीलिए पहनाया जाता था पहले, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हर एक अंगुलियों में पहन करके इसको बार बार आगे पीछे करने की परंपरा थी, गोल गोल घुमाने की परंपरा थी। दिन में बैठे हैं, काम धाम नहीं है, और अंगूठी को पहन करके गोल गोल घुमाने से यहाँ के पॉइंट्स दबते हैं। और इसमें आप देखे होंगे कि अब तो ये गोल आ रहा है, पहले ये पैक नहीं रहता था, खुला रहता था, उसको अपने उंगली के हिसाब से दबा करके इसमें सटा सकते थे, फिर हटा भी सकते थे। यानी यदि आपके पॉइंट्स नहीं दब रहे हैं तो इस अंगूठी को दबा करके और उसे पॉइंट को प्रेशराइज कर सकते थे। ये सारे जो पहले माताएं बहनें या पुरुष हर जगहों पर जो आभूषण पहना जाता था, वो सारे पॉइंट्स होते थे शरीर के, और उन पॉइंट्स को दबाने के लिए आभूषण पहना जाता था, न कि उससे दोनों काम हो जाता था। लोगों को सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी आ जाता था और बीमारी भी से दूर होती थी। अब ये पॉइंट्स दबाने के बाद अब दोनों उंगलियों के बीच में ये जो भाग है इसको पांच पांच बार खींचना है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। फिर इस उंगली को पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ के फिर इसको दबा देंगे थोड़ा आगे पीछे दो बार चार बार। बस आज के थेरेपी को मैं दोबारा रिपीट किया हूँ, क्योंकि जिन माताओं बहनों पर मैंने इसको अप्लाई किया है वो बहुत राहत महसूस कर रही हैं, बहुत लाभ इसका ले रही हैं, और घुटना दर्द आधा से ज़्यादा उनका ठीक हो गया है। और बहन जी पर भी मैं आज सुबह में इस तकनीक को अप्लाई कर रहा हूँ। जो भाई अभी तक इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि एक बार फिर से बनाइए, और हम लोग बढ़िया से नहीं देख पा रहे हैं, नज़दीक से थोड़ा दिखाइए। तो हमने एक बार पुनः इस तकनीक को अप्लाई किया है, और ये घुटना दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी यह थेरेपी है। आप भी इसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अपने या अपने परिजन या अगल बगल के लोगों के घुटना दर्द को ठीक कर सकते हैं। पैर को नीचे कर दीजिए। अब तक यदि आपने प्रीत मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस योग की यात्रा को जन जन तक फैलाने के लिए, घर घर तक पहुँचाने के लिए आप हमारे मुहिम के साथ जुड़िए। और इस क्रांतिकारी अभियान को हम घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, और आपको मात्र बस इस चैनल को, ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये घर घर तक दस्तक दे देगा, पहुंच जाएगा, और लोग लाभ ले दे रहेंगे। धन्यवाद।